घटना का विवरण दिनांक 30 दस 2024 को शाम करीब छह बजे ग्राम मुधवाड़ा में बड़गांव माली रोड पर मृतिका तपस्सुम बीपति अशफाक मुसलमान उम्र उनतीस साल निवासी ग्राम मुथवाड़ा को खेत के रास्ते की बात पर से आरोपी गढ़ शेख रफीक पिता शेख रफीक मृतिका के बड़े पापा शेख अमजद पिता शेख रफीक मृतिका का चचेरा भाई शेख फिरोज पिता शेख रफीक मृतिका का चचेरा भाई ने मिलकर तबस्सुम पति अशफा को जान से मारने की नियत से हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती अज्ञात कीटनाशक दवाई पिला दी थी जिस पर आरोपी गढ़ के विरुद्ध दिनांक छह ग्यारह दो को थाना जावर पर अपराध क्रमांक तीन सौ धारा 103 सौ एक तीन पांच का पंजीबद्ध होकर विवेचना में था एवं आरोपी गढ़ अपने निवास स्थान से फरार हो गए थे प्रकरण में पुलिस अधीक्षक खंडवा के निर्देश अनुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खंडवा व उप पुलिस अधीक्षक खंडवा के मार्गदर्शन में फरार आरोपी गढ़ की तलाश की जा रही थी जिनमें आज दिनांक पंद्रह ग्यारह दो हजार चौबीस को शेख अमजात पिता शेख रफीक जाति मुसलमान उम्र सत्ताईस साल निवासी ग्राम मुतवाड़ा एवं शेख फिरोज पिता शेख रफीक जाति शेख मुसलमान उम्र बाईस साल निवासी मुंदवाड़ा को खेत में से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खंडवा के समक्ष पेश किया जाकर जिला जेल खंडवा में दाखिल किया गया एवं अन्य फरार आरोपी शेख रफीक पिता शेख सफी की तलाश जारी है सराहनीय भूमिका निरी गंगा प्रसाद वर्मा उप निरी राजेंद्र राठौर सह उप निरीक्षक रणजीत सिंह राजपूत आरक्षक एक राजेश पवार आरक्षक 505 सौ पांच नितिन पिंगले आरक्षक चार सौ अड़तीस सुरेश वास्कले की सराहनीय भूमिका रही है खंडवा से भवानी प्रसाद की रिपोर्ट